उत्तर प्रदेश में आज के समय में दो ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, लेकिन बहुत जल्द उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं वाला राज्य बनने जा रहा है। और राज्य सरकार हवाई सेवाओं के चौतरफा विकास की गति को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को नीति आयोग के सामने विस्तार का पूरा ब्यौरा पेश करते हुए बताया कि बहुत जल्द लखनऊ, वाराणसी व अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बना दिए जाएंगे। साथ ही कुशीनगर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लाइसेंस मिलने के साथ ही यह यूपी का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नीति आयोग में पेश योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, कुशीनगर व गौतम बुद्ध नगर से बहुत जल्द दुनिया के विभिन्न राज्यों और देशों के लिए सीधी हवाई सेवा की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। अभी के समय उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज और हिंडन जैसे शहर हैं जो फिलहाल हवाई सेवाएं दे रहे हैं। 15 दिन के भीतर राज्य सरकार बरेली में हवाई सेवाएं शुरू कर देगी। इस बीच अयोध्या का श्रीराम एयरपोर्ट के लिए भी योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बना रही है, ताकि राम मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। राम मंदिर के निर्माण के साथ ही राज्य सरकार ने कई और परियोजनाएं शुरू कर दी हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य आम लोगों को हवाई सेवाएं उपलब्ध करवाना है, जिससे आम लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। साथ ही अगर हम देश की बात करें तो इस समय केरल, गुजरात और महाराष्ट्र ही ऐसे राज्य हैं जो कि हवाई सेवाएं देने में सबसे आगे हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं की शुरू हो जाने के बाद से यूपी हवाई सेवा देने के मामले में देश में सबसे आगे रहेगा। स्पेशल डेस्क से शिल्पी मित्तल की रिपोर्ट।